थोड़ा सा डीप है, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। थोड़ा सा सुनना है, समझना है, अगर ये चैप्टर अगर अच्छे से हो गया तो सिलेक्शन भी हमारा आसानी से हो जाएगा। आपका सिलेक्शन का मतलब मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे जो बेसिक जो चीज़ है जो डिस्कस करना चाहेंगे जीनियस, सबसे पहले क्या है कि रिजिड बॉडी होता क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है, आपका यू नो द आंसर वेरी वेल। रिजिड बॉडी मीन्स ना कि बॉडी विच हैज द फिक्स मास, जिसके मास फिक्स होगा क्लास, है ना, एंड इट विल बी गोइंग टू बी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ऑफ ए स्मॉल फोर्सेस। दिस मीन्स वॉट, अगर आप थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगा भी दोगे तो बॉडी का जो शेप और साइज जो है क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म होगा। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट, रिजिड बॉडी जो है हम एज्यूम करते हैं, है ना, वी आर एज्यूमिंग इट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। खूब सारे उसमें क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। और आपको पता है, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, खूब सारे मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जो डॉट्स में जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने क्लास, ये सारे के सारे मटेरियल पार्टिकल्स हैं। अब अच्छी चीज़ क्या है, इसलिए लिखा है कि वी आर एज्यूमिंग, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, मेरे से भी अच्छी है, इट्स अ मेड अप ऑफ व्हाट वी कॉल लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। व्हाट वी कॉल टू दिस क्लास सृष्टि, मटेरियल पार्टिकल्स। तो क्या होते हैं कि सपोज इसको जूम इन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जूम इन करते हैं क्लास, यहाँ आ जाइए। तो अब जूम इन कर रहे हैं तो हम, ये हो रहा है कि विच, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, विच डू नॉट चेंज, विच डू नॉट चेंज व्हाट देयर म्यूचुअल डिस्टेंस, विच डू नॉट चेंज देयर म्यूचुअल डिस्टेंस अंडर एनी सरकमस्टांसेस। किसी भी कीमत पे वो अपना म्यूचुअल डिस्टेंस जो है चेंज नहीं कर सकता है, ये आपको याद रख लेना। विच कांट चेंज देयर म्यूचुअल डिस्टेंस अंडर एनी सरकमस्टेंसेस, राइट। तो मतलब क्या है कि आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते। जो एक्चुअल जो मटेरियल है, एक्चुअल जो मटेरियल है ना, आर नेवर परफेक्टली, आपको पता है ना, बड़ा अजीब तरीके से मैं लिख रहा हूँ, नेवर परफेक्टली व्हाट वी कॉल नेवर परफेक्टली, है ना, रिजिड। रियलिटी में तो कुछ होता ही नहीं है रिजिड, लेकिन वी आर एज्यूमिंग इन अ फिजिक्स, ओके, इफ समथिंग इज रिजिड, देयर डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल बी गोइंग टू बी फिक्स। ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा, बट इन रियलिटी हमारा जो विश्वास है वो गलत है। खूब सारे आपको ऐसे पार्टिकल्स में दिखा दूंगा जो क्या है, रियलिटी में रिजिड नहीं है। तो मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है व्हेन वी अप्लाई सम प्रेशर, अप्लाई सम फोर्सेस और प्रेशर, डिफॉर्मेशन विल बी टेक प्लेस, डिफॉर्मेशंस विल बी टेक प्लेस, ये याद रखिएगा, डिफॉर्मेशन टेक प्लेस होगा, ये वाला है। तो हमने क्या किया, डिफॉर्मेशन टेक प्लेस होगा, ये वाला। अब क्या है यहाँ पे, अब जैसे क्या है कि, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन जो है, जो थोड़ा बहुत बॉडी में लगता है, मैं कोई भी सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, मैं
आने वाला हूँ अभी थियोरेटिकल पार्ट पे। तो व्हाट आई मीन टू टेल ना कि थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है। सपोज आपने एक स्टोन को थ्रो किया यहाँ से किसी टावर से और यहाँ पर नीचे गिरेगा, जाहिर सी बात है ना इसके शेप साइज तो थोड़ा सा चेंज तो होंगे ही होंगे ना, लेकिन उतना हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, राइट। थोड़ा बहुत जो होता है रियलिटी में हम उसके स्मॉल डिफॉर्मेशंस कैन बी नेगलेक्टेड, स्मॉल डिफॉर्मेशंस कैन बी नेगलेक्टेड। अगर ये इतना तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे आप ओके भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि प्लीज व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ओके लिख दीजिए उस। ओके गुड, अच्छा कोई बात नहीं, आप चैट वाले पे लिख सकते हैं, है ना, नॉट इशू, आप चैट वाले पे लिख दीजिएगा। अरे सृष्टि यहाँ देखिए, आप स्काइप वाले पे लिख दीजिएगा, नॉट अ बिग इशू। अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ आते हैं, आप बिल्कुल मत बोलिए अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है, इसको हटा रहा हूँ मैं, हटा दो ना, आप टाइप करके बोल सकते हैं यस नो जो भी है। ओके तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि अब डिस्कस करते हैं कि रियलिटी में होता क्या है। इसमें क्या है, ये रोटेशंस है, मतलब रोटेशन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, रोटेशन बॉडी ऑफ अ रिजिड बॉडी, देखिए रोटेशन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ओके तो जैसे मान लो सर, एनी काइंड ऑफ मोशन, एनी काइंड ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज आइडेंटिफाई बाई, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्लास, बाय पहली बात क्या है, चेंज इन पोजीशन, दूसरी बात है चेंज इन ओरिएंटेशन, एक ही बात है आप ओरिएंटेशन को चेंज कीजिए, पोजीशन को चेंज कीजिए और बाय चेंजिंग, चेंज इन बोथ, चेंज इन बोथ। आगे देखिए, एक तो ये फर्स्ट बॉडी, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे मान लो सर कि अगर कोई बॉडी है, इफ कोई बॉडी है, इफ अ बॉडी, कोई सा भी बॉडी आप ले लो, इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स ओरिएंटेशन क्लास, इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स ओरिएंटेशन व्हाट ड्यूरिंग इट्स मोशन, मोशन में इट इज सेड टू बी, सेड टू बी इन व्हाट रोटेशन मोशन, कैसा मोशन में रहेगा क्लास, हो रोटेशन मोशन में रहेगा, ये याद रखिएगा आप, दे आर इन अ रोटेशन मोशन। जैसे मान लो कि आप, सपोज आपके पास एक ऐसा है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, अगर हमारे पास ऐसा ओरिएंटेशन है और ऐसे दिया हुआ आपके पास, तो अगर आप इसको घुमाएंगे ऐसे, व्हेन वी रोटेट दी रॉड, जब रॉड को आप घुमाओगे ना तो दे आर इन अ व्हाट वी कॉल्ड इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दे आर इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल व्हाट, मैं रोटेशनल में रहेगा इक्विलिब्रियम में, दे आर इन अ रोटेशन। अगर कोई, अगर आप मेरे को देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमारे पास ये पेन है ये वाला, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ा हुआ हूँ मैं और ऐसे में अगर इसको छोड़ रहा हूँ मैं, तो आपको पता है, एक अच्छे से सिखाता हूँ, घर ले जाइए, देखिए दो चीज़ होता है, टू थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार, वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशन,
सपोज ट्रांसलेटरी मोशंस मीन्स ना कि आप जस्ट गोइंग इन दिस वे, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, या ऐसे जा रहे हैं। और रोटेशन का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे रोटेट करके जा रहा है, जिस मीन्स मैं आगे ट्रांसलेटरी भी कर रहा हूँ और रोटेटरी भी कर रहा हूँ। व्हाट आई मीन टू से, इट्स वेरी सिंपल। सपोज अगर मेरे पास कुछ है, दिख नहीं रहा मुझे, अगर कुछ भी अगर है, अगर हाँ एक मार्कर दिखा मुझे, एक सेकंड, अगर ये मार्कर है, अगर ये हर डायरेक्शन से ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, दिस मीन्स इट्स डूइंग बोथ ट्रांसलेटरी और क्या रोटेटरी। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी, अब दिस इज कॉल्ड रोटेटरी। सो बोथ द टाइप्स ऑफ रोटेशंस अकर टुगेदर, यस। इसमें क्या होते हैं, दोनों के दोनों मोशन एक साथ अकर कर सकते हैं। तो अब डिस्कस क्या है कि हम उसको करेंगे कैसे। सो जैसे हमें ट्रांसलेटरी वाले का तो पता है, ट्रांसलेटरी वाले का तो हमें पता है, अब रोटेटरी का कैसे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सो अब एक बड़ा ही कठिन, व्हाट वी कॉल इट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि इफ दिस पार्टिकल इज मेड अप ऑफ सो मेनी, इफ दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, तो क्या मैं सबके, मैं अब जिसको, अब किसके रिस्पेक्ट में बात करूं? प्रॉब्लम नंबर वन। अब अगर कोई पार्टिकल बड़ा ही, सिस्टम बहुत ही बड़ा है जिसमें ट्रिलियन, है ना, ट्रिलियन पार्टिकल्स हैं, तो अब एक बात बताओ, अब किसको लेके डिस्कस करेंगे? तो कंसेप्ट जो स्टार्ट हुआ, एक हम जैसे हम क्लास 10th में क्या करते थे, हम निकालते थे ना आर इक्विवेलेंट। इफ यू हैव अ 5 रजिस्टर्स विच आर इन अ सीरीज, हम पांचों को हटा के सबको ऐड करके एक सिंगल रजिस्टर लगा देते थे, दैट इज कॉल्ड आर इक्विवेलेंट। इसमें क्या करेंगे, अगर हमें पोजीशंस निकालना है, अगर हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सपोज स्टार्ट करते हैं बड़े बेसिक से। आप देखिए डायग्राम, देखिए थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। सपोज मेरे पास 10 पार्ट, एक कोई सिस्टम है लाइक दिस, और उसमें क्या है, अलग अलग 10 पार्टिकल दिए हुए, इनके अलग अलग 10 पार्टिकल दिए हुए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाले जितने भी हैं सारे पोजिशंस हैं इनके, एक रेफरेंस पॉइंट पे, और मैं इनको हटा के एक सिंगल पार्टिकल रखना चाहता हूँ मैं सिस्टम में, है ना। तो कैसे करूँगा मैं, हाउ डू वी रिप्लेस दिस होल सिस्टम टू ए सिंगल सिस्टम, सो डैट अवर स्टडी विल बी गोइंग टू बी मोर कन्वीनियंट। बिल्कुल सिंपल है, जो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको समझ लेना है क्या व्हाट इज द रियल पर्पस फॉर दिस, ताकि आप इजिली क्या करो, जान सको, इजिली वी कैन नो द मोशन। जो जो पहले आपने निकाला था ना, कि पोजिशन इजिली आप निकाल सको, आप इनका वेलोसिटी निकाल सको, आप इनका एक्सेलरेशन निकाल सको, वी कैन इजिली कैलकुलेट ईच एंड एवरी थिंग, दिस इज अ एजेंडा, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस। सो हम इस क्लास में यही करने वाले हैं कि हमारा सिस्टम जो क्या होगा, अगर सो मेनी पार्टिकल्स हमारे पास होंगे, इफ यू हैव अ सो मेनी पार्टिकल्स, सो मेनी पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस या रिप्लेसेस टू ए सिंगल पार्टिकल्स, सिंगल पार्टिकल से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। कितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होगा, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अभी जाके मैंने इस वर्ड को पहली दफा बोला आपको कि सेंटर ऑफ मास से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब आपको फ्रैंकली मैं क्या बताना चाहता हूँ मैं, कि अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालना सीख गए, तो हम पूरे बॉडी को छोड़ के हम एक सिंगल पार्टिकल से एज्यूम कर लेंगे, जहाँ पे एज्यूम करेंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, और इसी का मोशन जो होगा वही पूरे बॉडी का मोशन होगा, जो इसका पोजीशन होगा वही पूरे बॉडी का पोजीशन होगा, जो मोमेंटम होगा वही पूरे बॉडी का मोमेंटम होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वही पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन होगा,
जो फोर्स एग्जर्ट होगा वही पूरे बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट होगा, जो मोमेंटम होगा वही पूरे बॉडी का मोमेंटम होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही पूरे काइनेटिक एनर्जी होगा। कुछ यहाँ तक समझ में आया तो आप यस टाइप कर सकते हैं, ये तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा। गुड, थैंक यू सो मच। सो अब मैंने क्या बोला कि अब क्या कर लेना है हमें, हमें ओ कुछ और, अब यहाँ देखिए तो क्या बोल रहा था मैं, नाउ कम टू द पॉइंट क्लास। नाउ सृष्टि मेरे दोस्त कैसे करेंगे इसको, सपोज आई हैव सो मेनी पार्टिकल्स एंड आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एक्सियम। सो नो लेट स्टार्ट विद दिस, लेट्स मूव टू द वेरी बेसिक कंसेप्ट। सपोज आई हैव अ पार्टिकल्स पी हुज पोजिशन फ्रॉम दिस पॉइंट विल बी रिटन बाय दिस, P will be given by formula xi plus yj plus zk, and what we call to this, this is called the position rx. rx will be equal to xi plus yj plus zk. Class, this is the position, right? This is the positions. In a physics, this is the simple way of writing the positions, expressing the coordinate of any system in a physics. So you just have to mug up this. Basic सा presentation होता है। ये क्या है ना कि this is the 3D. मैं 2D में बताऊँ, थोड़ा सा आप लोग है ना doctors बनने वाले हैं। If this is the P, if this is the coordinate like this 2i and this is the 4j or let's assume it should be 5j, how do we have to write this? Let's draw a perpendicular on this. This is the x-axis class. This is the 2. 2 means the motion, the distance moved along the x-axis should be going to be 2. The body has the 5 unit along the what? Y-axis. Let's assume it's a O and this is the P. So OP ko kaise likhenge hum? OP will be going to be what we call 2y plus 5j. So aapko ye wala bhi aapko sunna hai. ये वाला भी आपको देखना है। ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा डीप तो नहीं लग रहा है? रिस्पॉन्स दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके गुड, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि अब जैसे क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया, हमें एक्स और वाई पता चल गया, लेट्स एज्यूम समथिंग एल्स। जैसे क्या है, व्हाट डू मीन बाय द सेंटर ऑफ मास, सी ओ एम, राइट? सो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास क्या है? तो इन अ व्हाट वी कॉल इन अ वेरी देसी लैंग्वेज, व्हाट कैन वी टेल, द पॉइंट वेयर whole mass of the system, whole mass of the body, is assumed to be concentrated. यहाँ पे पूरा बॉडी जो है सिस्टम का, मतलब एक ऐसा पॉइंट सृष्टि जहाँ पे पूरा मास जो होगा पूरे बॉडी का, हम मानेंगे कि वो सिचुएटेड कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सी ओ एम। अब सवाल है, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी कैलकुलेट, डू वी हैव एनी फॉर्मूला, वी हैव सो मेनी व्हाट वी कॉल्ड क्वेश्चंस, यस वी हैव अ वे टू कैलकुलेट। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए आप। सपोज कैन आई रिमूव दिस और यू वॉन्ट टू कॉपी, जल्दी बोल दीजिए। या कैन आई रिमूव दिस और यू वॉन्ट टू कॉपी समथिंग, ओके। सो मैं क्या बोल रहा था कि हाउ डू वी कैलकुलेट द सी यू एम, लिसन वेरी केयरफुली सृष्टि, यू मे टाइप, यू हैव अ फ्रीडम, बस आप इन सब चीजों को ग्रैप्स कर लीजिएगा, राइट, जो जो आपको बताया जा रहा है। सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज कोई बंदा ए है यहां पे,
कोई बंदा बी है यहां पे, कोई बंदा सी है यहां पे, ऐसे ऐसे ऐसे। सपोज इसका पोजीशन है आर वन, आर टू, आर थ्री एंड दिस इज एम वन, एम टू, एम थ्री, ये बार हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। सपोज निकालना आर सी एम, हाउ डू वी कैलकुलेट, एम वन आर वन, एम टू आर टू, एम थ्री आर थ्री, एम एन आर एन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन। दिस इज द फर्स्ट वे टू कैलकुलेट दिस वन। दिस इज द टोटल मास एम वन, एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, लाइक एम एन। सो दिस इज द वेरी बेसिक वे टू कैलकुलेट दिस। आर सी एम निकालने का बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया आपको पहले, एक तरीका सीखना है क्लास आप लोगों ने, लाइक एम एन, लिसन वेरी गुड, ओके वेरी गुड। वी कैन ऑल्सो राइट इन अ समेशन फॉर्म क्लास, दिस इज अ कॉल्ड समेशन सृष्टि, आई इक्वल टू वन टू आई इक्वल टू एन, एम आई आर आई एंड दिस इज अ टोटल मास बाहर ले जाइए। यस दिस इज आर सी एम, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, आर सी एम विल बी इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। तो वी मे राइट दिस, अब इसको जहां जहां आर है उसको लिखेंगे एक्स वन आई वाई वन जे, थोड़ा सा डीप है सृष्टि लेकिन आपके लिए नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा आप, एक्स टू वाई टू जेड टू, सेम वे एक्शन वाई एन जेड एन के, राइट। आप स्पेसिफिक कीजिए जल्दी जल्दी से, तो एक्स आई कैसे करेंगे, एक्सीएम एम वन एक्स वन प्लस एम टू, अच्छा आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, एम टू एक्स टू, एम एन एक्स एन अपॉन एम। वाई सी एम कैसे लिखेंगे, एम टू वाई टू, एम थ्री वाई थ्री, एक्स टू सॉरी एम एन एक्स एन अपॉन एम। सिमिलरली जेड जेड एक्सियम, एम थ्री एक्स थ्री सॉरी 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 एम वन वाई, दिस इज वाई वाई वन, वाई वन आई एम इरेजिंग दिस, यहां लिख दे रहा हूं मैं वाई सी एम के लिए एम वन वाई वन, एम टू वाई टू, एम थ्री वाई थ्री, एम एन वाई एन, दिस इज द समेशन एम, टोटल एम। जेड का कर दीजिए जल्दी जल्दी से, एम वन जेड वन, एम टू जेड टू अपॉन समेशन ऑफ एम, प्लीज राइट दिस ऑल सृष्टि, ओके गुड। अच्छा आपने अभी 7 मिनट पहले कहा है, यस प्लीज टेल, गुड 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 गुड, चलिए गुड। अब आगे चलते हैं, लेट्स डू वन क्वेश्चन, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी आपको।
लेट अस स्टार्ट विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस क्लास. वी हैव थ्री सिस्टम, थ्री पार्टिकल एम वन एम टू एम थ्री. एम वन विल बी इक्वल टू एम टू विल बी इक्वल टू एम थ्री इक्वल टू 1 kg. पोजिशन देखिए 0, 0, 1, 0 और दिस इज दे हैव गिवन ओनली दिस इज 1, दिस इज द मिडिल पॉइंट एंड वी हैव अ थ्री बॉडी. कैलकुलेट एक्सीएम, वाईसीएम, जेडसीएम. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, वी हैव अ दिस बॉडी क्लास जीरो ए बी सी डी, 0, 0, 1, 0. दिस इज 1, 1, दिस इज 0, 1. एम वन एम टू एम थ्री एम फोर. कैलकुलेट एक्सीएम, वाईसीएम. प्लीज कैलकुलेट. No, because they have given na mass will be equal to 1 kg. Srishti, mass सबका 1, 1 kg है Srishti. देखो good. ओके ओके या भाई मास विल बी गोइंग टू बी 1. पॉइंट नो नो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई ना. या दैट्स व्हाई आई डू नॉट वांट टू गिव द डायरेक्ट क्वेश्चन. I think for this one you are talking about x should be going to be half, y should be equal to 1. Z will be going to be 0 now. Z should be going to be 0. That should be going to be 0. Yeah, good. Okay, now come to the next part. If you want to calculate this,
इफ द सिस्टम इज वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम क्लास. डिस्क्रीट मीन्स इन द पॉइंट फॉर्म दे हैव गिवन टू अस. व्हाट हैपन व्हेन आवर सिस्टम विल बी इन अ डिस्क्रीट फॉर्म लाइक दिस. एक रॉड है, ये आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में. हुज मास इज एम, टोटल मास इज एम, टोटल लेंथ इज एल. नाउ कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास उसके पोजिशन निकाल लें. कैसे निकालोगे? सो फॉर दैट वट वी हैव टू डू, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन अपॉन एम आर डी एम. दिस इज द पोजिशन फॉर द आर आर सी एम. इन द टर्म्स फॉर द एक्स वी कैन राइट लाइक दिस. वाई शुड बी, वाई डी एम, जेड सी एम विल बी इक्वल टू जेड डी एम. प्लीज अप्लाई योर माइंड इन दिस केस. दिस इज एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, एक्स विल बी इक्वल टू एल, वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, व्हाट इज द पोजीशन बाय द वे? या एल बाय टू और एल बाय एल स्क्वायर? So let's discuss that. How do we calculate? If you are taking the distance, let's assume a distance, let a mass m dx, whose mass will be going to be m upon l into dx. So this is the, by the way, mass, right? Put this mass. So axiom will be equal to 1 upon m, because mass is total mass. R should be this x, x, this is x. dm should be going to be this wala length, this total mass. Put this. Kya ye wala equation samajh mein aaya aapko? Limit jo lenge, hum lenge 0 to l. Srishti, ये समझना बड़ा जरूरी, बिकॉज दिस इज द गेम. ओके,
नो प्लीज सॉल्व फर्दर. यस वेरी गुड. और ऐसे जब भी अगर बॉडी अगर यूनिफॉर्म होता है ना L/2 पे ही आता. लेट्स इफ आई जस्ट गिव ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं. मैं हटा दूँ इसको. व्हाट हैपन इफ माय मास विल बी वेरिंग लाइक नो. ओके इफ मास विल बी फॉलो दिस इक्वेशन अल्फा एक्स इन दिस वे कैलकुलेट एक्सियम. प्लीज कैलकुलेट. अप्लाई द सेम लॉजिक. या आई एम सेंडिंग व्हाट वी कॉल नोट्स फॉर दिस ऑल्सो साइमा. सॉरी साइमा आई एम टेलिंग. मेरे तो क्या नाम है सृष्टि. यस सृष्टि मिला आपने देखना. या सेंटर ऑफ मास का. गॉट इट. यस गॉट इट. मैं पहले इस क्वेश्चन को करता हूँ. मिल गया आपको. ओके गुड. यहाँ आ जाइए सृष्टि. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस. हाउ डू वी कैलकुलेट. फर्स्ट स्टेप राइट द फॉर्मूला क्लास. डीएक्स यस एग्री. डीएक्स एग्री. नो जस्ट डू द सेम थिंग. पोजिशन शुड बी एक्स. डीएम शुड बी 0 to L. And at the place of mass, what we have to do? Substitute this also class. Srishti.
सॉल्व कीजिए सृष्टि। ओह माय गॉड, ओके लेट्स स्टार्ट। हाउ डू वी हैव टू डू दैट? सो ऐसे करेंगे, वन अपॉन एम जीरो टू एल एक्स स्क्वायर अल्फा एल डी एक्स। ओ हो या बट आई हैव डन रॉन्ग इन दिस। ओ माय गॉड, कैसे होगा ये? नहीं, हो जाएगा लेट्स अज्यूम। बट इन दिस केस ना कि m इज ऑल्सो वेरिएबल, राइट? ओके, मैंने क्वेश्चंस बनाया है, कहीं मैं अपने क्वेश्चन में फंस ना जाऊं। x अल्फा x डी एक्स, इट्स स्टिल गिविंग द l बाई टू, राइट? हाँ, नो, ये तो कैंसिल ही जाएगा ना, ये तो अल्फा अल्फा। यू नो आई एम जस्ट टेलिंग ना कि इन द व्हाट वी कॉल डेनोमिनेटर ऑल्सो वी हैव एम ना। यस, वी ऑल्सो हैव व्हाट? So at this place we can write like this, right? Yes, people. आया क्या? ओ क्या हो गया सृष्टि? सृष्टि ओके, नेक्स्ट चलें। टाइप कर दीजिए आप, यू आर डूइंग कैलकुलेशन इन दिस। ओके प्लीज सॉल्व। ओके, थैंक यू सो मच सृष्टि। नाउ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, मेरे सृष्टि इधर आ जाइए, पेज नंबर पे आ जाइए। आप एक क्वेश्चन देख रहे हो क्या पेज नंबर 6 पे? पेज नंबर 6 मिला आपको, ब्लॉक वाला? ओके पेज ओपन। या वेट फॉर वन मिनट, आर यू ऑन विच पेज यू आर, 6 or 4? तो फर्स्ट वन, find the center of mass of the four point masses as shown in the figure. M3 should be going to be 5 kg, M2 should be going to be 4 kg, M4 should be 1 kg, M1 should be going to be 1 kg, 2 kg, sorry.
टोटल मार्क, गॉट इट, ओके। Can I help you in this, Sristi? Okay. सेवन बाई थ्री तो नहीं आ रहा है। नहीं, एक सेकेंड, 28 28 बाई तो 28 बाई व्हाट वी कॉल्ड, ओ गुड गुड, ऑसम भाई ऑसम गुड। सो फाइनली वी राइट लाइक दिस राइट, आर पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस वे, यस। So this is the way of calculating what? Calculating the XCM, YCM, ZCM. आगे चले सर। Yeah, now come to that another important, very important this question, what we call to that find the, yes, next question, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगेगा, साथ में करें कि आप खुद से करोगे। It look like a boat, I think. Join this.
एमएमएम ओ कॉमा ओ फाइंड द फाइंड द एक्सियम. ओके प्लीज कैलकुलेट. सृष्टि सो गए. सॉरी. ओ माय गॉड, क्या मिला आपको सृष्टि? सो सेंटर ऑफ मास. या गुड. नाउ इन द प्रैक्टिस इन द व्हाट वी कॉल इन द प्रैक्टिस एक्सरसाइज ना कम टू द थर्ड पार्ट प्लीज. थर्ड क्वेश्चन नंबर या प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑन द पेज नंबर 8 आई थिंक. प्लीज डू दैट. सॉरी. हाँ या सृष्टि आप बिल्कुल कर सकते हैं सृष्टि. Coordinates are a by 2 and the root 3 by 4. Okay. Let me check the answer, please.
या नो नो आई थिंक ओके इफ यू जस्ट गेट दिस आंसर टाइप यस अदरवाइज टेल नो. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. या ओके 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 सेकंड पार्ट. या सो लेट मी ट्राई फर्स्ट दैट वाई सी एम टोटल मास. How do we do? So M1 should be 0 kg, 0 into 0, oh sorry, mass into 0, whole thing should be 0, mass is not, I think not 0 by the way, and this for the second body is, for second M, coordinate root 3 by 2 into A. For the third body, total mass 3m. Take a common. Root 3 A by 2 now. Okay, the mass is 2. Yeah, 2 mass is 2. Got it? Interesting. Okay, good. Now come to the next part. Now we have to do 60. A question hai, but acha question hai. We have to assume this L by 2 wala hum logo ne kar liya. कम टू द पेज नंबर 11. बोला कि कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड विथ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा. कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्डा. वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा. दे हैव गिवन टू अस लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ. Which will be equal to kx square. It's a given. So mass per unit length lambda will be equal to kx square. Mass will be equal to, how do we calculate the total mass first of all? So for the calculating the total mass, what we call total, the formula for the what we call this, let's do not go with the what we call the answer whatever they have given to us. Let's do this question by the another method. This is the simple formula that we have known how to calculate this. So in this mass is also varying. So keep this mass as this x dm, this mass this is also dm, okay, and how do we do that, how do we calculate the total mass? So for calculating the total mass, we just have to write like this, mass per unit length. So
मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज द मास फॉर यूनिट व्हाट वी कॉल्ड यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास ये है। सो रूल नंबर वन, ड्रॉ द डायग्राम। रूल नंबर सेकंड, टेक अ लिमिट। रूल नंबर थर्ड, डीएक्स लेंथ शुड बी डीएक्स, ओके व्हाट विल द मास फॉर दिस, सो लैम्डा इनटू डीएक्स, ओके व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर डीएक्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ फ्रॉम दिस टू दिस लेंथ, टेक अ लिमिट के एक्स स्क्वायर डीएक्स जीरो टू एल, दिस इज द व्हाट वी कॉल टोटल मास। सो टोटल मास, सो टोटल मास विल बी गिवन बाय, दिस इज व्हाट वी कॉल एम के एक्स डी एक्स, इट शुड बी गोइंग टू बी एक्स क्यूब बाय थ्री, पुट अ लिमिट ऑल्सो के बाय थ्री एल टू द पावर थ्री। सृष्टि टोटल मास समझ में आया तो यस टाइप कीजिए, हाँ अरे क्यों नहीं, आप ही का तो है, प्लीज कॉपी दैट, प्लीज राइट द स्टेप्स ऑल्सो। इसको अपने लैंग्वेज में जरूर लिखिएगा, आप किसी बुक में नहीं मिलेगा। Awesome, but we haven't finished this question yet, right? Do you know this now? We haven't finished this. We just have calculated mass till now. We have to calculate the axiom, right? So, what is the formula for the axiom? Axiom. थोड़ा सा क्या है ना, खाना पीना भी खाया करो सृष्टि, अगर कुछ रहेगा नहीं तो क्या, पढ़ना भी तो है आपको। सो डू द सेम प्रोसेस, एक्स डीएम शुड बी के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, टेक अ लिमिट क्लास जीरो टू एल, टोटल मास के एल थ्री बाई थ्री। नो वट वी हैव टू डू, फोर बाई फोर
टी बाई फोर एल टू द पावर फोर के एल थ्री थ्री के कैंसिल एल। ओ माई गॉड, हाँ मेरा भी आंसर गलत आ रहा है क्या? नो माई आंसर इज राइट, थ्री एल बाई फोर राइट, गॉट इट ना सृष्टि? सृष्टि यू मे टाइप सृष्टि। कैन आई गिव वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस सृष्टि? ओके गुड 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 गुड, प्लीज सॉल्व। गुड, सृष्टि एक क्वेश्चन दो आपको, यू वॉन्ट टू सॉल्व? एक और कर दो आपके साथ? ओके आई एम जस्ट मेकिंग वन क्वेश्चन, फिर मैं आपको दे दूंगा। टफ करूं सिंपल करूं? ओके लेट्स डिस्कस। कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड विथ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, इट्स अ मास पर यूनिट लेंथ के एक्स टू द पावर क्यू। सो प्लीज कैलकुलेट, दिस इज द रॉड, जब मेरे को करना है ना, मैं करूँ सृष्टि? नहीं भूल गया, वो मेरे को लगा आपको करना है, सॉरी। सो सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल मास निकालेंगे। कैलकुलेट द टोटल मास, स्टेप नंबर वन। हाउ डू वी सॉल्व? वी टेक अ एलिमेंट डीएक्स, लेंथ इज डी एक्स, लेंथ लिखो लेंथ इंटू लैम्डा,
लेंथ इज डी एक्स लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा शुड बी गोइंग टू बी के एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, टेक अ लिमिट क्लास 0 टू एल या के 4/4 0 टू एल के बाय 4 एल टू द पावर 4. सो टोटल मास will be given by this. Yes, got it. Now calculate Srishti, axiom निकालिए genius people axiom. आ गया भाई साहब इतना तक? Do you have a doubt till now Srishti? बता दो please. टाइप कर दो. नो डाउट, गुड. एक्स डीएम की वैल्यू पुट करो जल्दी से यहां पे क्लास. डीएम की वैल्यू क्या आई थी? लेंथ. ओके एक्स डीएम, सो एम बाई डीएम शुड बी व्हाट? सो द लेंथ डीएक्स इंटू लैम्डा. Now put a value for the lambda in this. K x square into dx. Put a value in this. Kindly solve this. Yeah. टेक अ लिमिट क्लास 0 या हो या समथिंग इज रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग? टोटल मास हमारे पास आ गया. अब यहाँ पे 5 हो जाएगा आई थिंक. या वी हैव टू या राइट नाउ कैन यू हियर मी? Yes. Wait. Yes, Rishti. Yeah, can you hear me? Yeah, in this now I just have taken what we. Yeah, I just have now I just make a correction now. 4 it should be going to be 5. Got it? Yeah. Yeah, please type. Please solve this. 4L/5. एक और क्वेश्चन दो मैं.
ओके मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय लैम्डा. यू प्लीज टू सॉल्व दिस. कैलकुलेट द COM, which length is given by this Srishti.
कितना है भाई? आई थिंक सॉरी, बट यू गेट टोटल मास वुड बी गोइंग टू बी व्हाट? लैम्डा डी एक्स के एक्स टू द पावर 5 0 टू एल के 6/6 k6 l to the power 6 x dm k l to the power 6/6 x dm lambda x should be x, lambda should be k x to the power 5 dx six k l to the power 6 k 6 dx. Now solve this. Kk cancel. 6 l to the power 6 x to the power 7 upon 7. Srishti kahan so gaye? Type kar dena. Type something. हाँ आई नो मेरे दोस्त, आप बस टाइप कर दो ना, एक बार टाइप कर दो आई फॉर मेकिंग द क्लास इंटरेस्टिंग. आई ना मेनी टाइम से समथिंग भाई कर दो ऐसे, सो डैट कि इट विल बी गुड, है ना. अदरवाइज इट्स सो बोरिंग क्लास. यहाँ देखिए 6L/7 आ गया. सृष्टि क्या बोलते हो, एक और क्वेश्चंस करें क्या? अच्छा, इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कर रहे हैं, राइट. फर्स्ट स्टेप में पहले आप एम निकालो खुद से. टोटल मास कैसे निकालते हैं? लेंथ पर यूनिट, व्हाट वी कॉल लेंथ, वी हैव टेकन ए स्मॉल डीएक्स. यहां तो कोई डाउट है? At a distance of x, total mass should be going to be lambda. So we have discussed from this, right? Take a limit, Srishti. 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 कैलकुलेटेड टोटल मास सृष्टि, टिल नाउ वी डू हैव एनी डाउट? ओके गुड. नाउ कैलकुलेट द एक्सियम सृष्टि. एक्सियम निकालिए, ऐसे खुद से निकालिए, यूज दिस फॉर्मूला. डीएम आपने निकाल रखा है, एक्स आपको पता है पोजीशन है. This is the part that I am making in a circle. You have to be focused on this. How do you calculate dm? Lambda into dx. Lambda ki value put kar do. Then calculate dm. Please solve.
गॉट इट? ओहो, गुड 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 गुड. आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन. प्रैक्टिस मेक यू द परफेक्ट जीनियस गर्ल सृष्टि. चलिए, लैम्डा विच इज मास पर यूनिट लेंथ के एक्स टू द पावर 4 कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. निकालिए. Oh, where is my water bottle? आई थिंक मैसेज किया हुआ सृष्टि ने कुछ. ओके, वेट फॉर 1 मिनट. क्या मैसेज आया है? सृष्टि, वो सृष्टि. LS² / 2 4 कैसे आ जाएगा सृष्टि? नाउ टेल मी टोटल मास बताइए. टाइप कर दो एक्स लैम्डा इंटू डी एक्स के एक्स टू द पावर 4 डी एक्स के एक्स टू द पावर 5/5 मतलब एक्स के एक्स टू द पावर 5/5. हाउ डू वी कैलकुलेट दिस रेस्ट? ये वाला एक्सीएम कैसे निकालेंगे? एक्स के एल, प्लीज टाइप समथिंग. एक्स डी एक्स सृष्टि, टाइप समथिंग. एक्स मास शुड बी व्हाट?
लैम्डा इंटू डी एक्स एक्स लैम्डा के एक्स पावर फोर. ओके ओके, डू द करेक्शन, कोई बात नहीं, करते हैं ना एक बार. अब करो आप, देखो अब करो आप, अब आप सॉल्व करो. थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा देखो कहाँ कहाँ ना, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन टू टाइम्स. ये तो फर्स्ट स्टेप है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करना एक्स, ये यूनिटरी मेथड होता है. हाँ, दिस इज द यूनिटरी मेथड, वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन. और दिस इज द सेकंड स्टेप, यहाँ पे पुट करना और लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, देन सॉल्व करना है. पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व. मैं भी करता हूँ, आप भी करो. फाइव डी एक्स के एल फाइव बाई फाइव, फाइव एल बाई फाइव, सिक्स अपॉन सिक्स, जीरो से एल, फाइव बाई सिक्स, सृष्टि मेरा तो आ गया. आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं किया, हमेशा जो है ना, हमेशा व्हाट, हमेशा व्हाट ऐसा कुछ आता है. प्लीज सॉल्व दैट, गॉट इट भाई? आ गया भाई को क्या, नहीं आया? यस सृष्टि, ओके प्लीज सॉल्व. कैन आई गिव वन मोर क्वेश्चन टू यू सृष्टि? नहीं, ठीक है ठीक. चलिए आते हैं अगले मौके. अब तो समझ गए ना आप, गॉट इट? सो नाउ वी हैव, बड़ा अच्छा टॉपिक किया था हम लोगों ने, प्लीज सॉल्व. आई एम जस्ट रिमूविंग दिस. ओके, दे हैव गिवन वन क्वेश्चंस ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 11. इन द केस फॉर द मास फिगर शो अ रॉड ऑफ मास 10 केजी, लेंथ दे हैव गिवन 100 सेंटीमीटर विथ सम मासेस tied to it, right? At a what? Different position. Find the position what we call the position of center of mass. Please calculate.
यू हैवन टाइप एनी टाइम्स। हाँ या डू यू नो हाउ, ओ हो, सॉरी, रियली पार्डन, आप टाइप कर दिया करो प्लीज। यस प्लीज, क्या बोल रहे थे सृष्टि? क्या आंसर आया आपका, शेयर कीजिए। ओके, या पुट ऑल द वैल्यू। गुड, आगे चलें। ओके गुड, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वेलकम, आ जाओ इधर आ जाओ, आप पहले फिट हो जाओ, खुश करो, ठीक है? यहाँ आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, कम टू द पेज नंबर 18, वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू समथिंग, कैन आई टीच यू अ कंसेप्ट इफ यू डोंट माइंड? ओके, सो मोशन, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस सृष्टि, मोशन ऑफ व्हाट वी कॉल सेंटर ऑफ मास, हाउ डू वी डिस्कस क्लास? सृष्टि यहां देखो, सो वी हैव कैलकुलेटेड आरसीएम, दिस इज द फॉर्मूला, m3 rn, दिस इज टोटल, व्हाट वी कॉल्ड टोटल मास, ओके। सेकंड, इफ यू डिवाइड बोथ द साइड, सबको ऐड कर लो, लाइक दिस, या लाइक दिस, टोटल मास m1 r1। नाउ जस्ट डू वन थिंग क्लास, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट बोथ द साइड, या एम एच कॉन्स्टेंट, m2, m1, दिस इज v1, m2 v2, mn vn, mvcn,
अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड this one this one so put the value a1 mn an. So this is the formula class. Can I change the page? Okay. So this is the okay. So what you have to remember class? So net force equal to m1 a1, m2 a2, m3 a3, mn an. Momentum m1 v1, m2 v2, M3 V3, MNAN, MNBN. First equation, second equation. Momentum mass into velocity, which is the summation of this formula. ACM summation of AI. So in the beginning of the class we have discussed this all the stuff. ऐसे ऐसे करते हैं summation का तो final call that we have to take ऐसे formula है ऐसे लिखेंगे V CM along x axis. Okay, mi vi x summation of mi, first equation. Vcm y summation of mi vy mi. VCM Z summation of MI VI Z summation of MI. So we have a three equation class. We have to remember in the same way we also have to write this. Yeah. Mi ai y along summation of mi, right? So we have a various equation that we have to focus. Yes. ओके और करा दूं कि छोड़ दो? या प्लीज ना टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी. हाँ तो क्या बी आर यू टेकिंग व्हाट वी कॉल टू मेडिसिन ले रहे हैं?